इंडिया जीतने वाली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी। जिस हिसाब से हमने 2024 का T20I वर्ल्ड कप जीत लिया है, देखिए फैंस के मन में इन सारे चैंपियनशिप्स के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। और अब 2024 के बाद टीम इंडिया 2025 में तो बहुत बड़े टूर्नामेंट्स खेलने वाली है, जिसमें आ जाएगा हमारा चैंपियंस ट्रॉफी और WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। देखिए अगर अभी हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो रोहित शर्मा एज अ प्लेयर तो बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल थे, लेकिन रोहित शर्मा एज अ कप्तान की अगर हम बात कर ले तो देखिए जिस हिसाब से उन्होंने हमारी इंडियन टीम को लीड किया है और उसके बाद जो वो ट्रॉफी उठाई है, तो जो कलेक्टिवली एक टीम एफर्ट जो होता है जो हमें देखने को मिला है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और इसका रिजल्टेंट आउटपुट ये था कि हम लोगों ने उस ट्रॉफी को उठा लिया था। कैसा सेम नजारा हमें WTC में भी देखने को मिला है, देखिए रिसेंट अपने एक वीडियो में जय शाह ने बताया है कि WTC के लिए भी हमें कप्तानी करते हुए दिखने वाले हैं रोहित शर्मा जैसे। इस बार उन्होंने नीली जर्सी में करिश्मा करके दिखाया था, क्या जब वो व्हाइट जर्सी पहनेंगे, जब वो WTC खेलेंगे, वो सेम करिश्मा कर पाएंगे या नहीं। देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा वैसे तो T20 से रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर चुके हैं, जैसे ही टीम ने वर्ल्ड कप जीता था फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए थे, 19 नवंबर से उभरे थे, लेकिन साथ के साथ सैड न्यूज भी मिल गई थी कि देखिए अब हमें हमारे तीन लेजेंड्स रो को की जोड़ी और हमारे सुपर ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो सारे फैंस के मन में जो डाउट था कि क्या T20 वर्ल्ड कप के बाद हर चैंपियनशिप के साथ हमें ये सितारे जाते हुए दिखेंगे, तो देखिए उन सारी जो सोच है, जो सारे बैड थॉट्स है, उन पे कहीं ना कहीं पॉज लग गया है, क्योंकि जय शाह ने बता दिया है दैट रोहित शर्मा इज गोना लीड टीम इंडिया इनटू द WTC। आपका रोहित शर्मा एज अ कप्तान के बारे में क्या कहना है? देखिए वैसे तो जो वो प्लेयर है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट प्लेयर है, उनके जो नॉक्स है वो सुपर नॉक्स है, एंड रोहित शर्मा इज अ हिटमैन शर्मा फॉर अ रीजन, लेकिन उनकी कप्तानी के चर्चे भी कम नहीं है। सो हाउ डू यू सी रोहित शर्मा एज अ कैप्टन? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।